नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। गुड़गांव की अग्रवाल धर्मशाला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर द्वारा बुलाई गई एक बैठक में कांग्रेस के अनेक नेता पहुंचे, मगर वरिष्ठ नेताओं में कैप्टन अजय यादव को छोड़ करके अधिकांश बड़े नेता नहीं पहुंच पाए। इनमें से नहीं पहुंचने वालों में आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सिंह सुरजेवाला व किरण चौधरी के नाम शामिल हैं। हालांकि दो पूर्व मंत्री अवश्य इसमें पहुंचे थे और दर्जन भर विधायक इसमें जो पूर्व विधायक हैं वो यहां पर आए थे, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह रही कि कांग्रेस के मौजूदा 17 विधायकों में से एक भी ऐसा विधायक नहीं था जो इस बैठक में पहुंचा हो। हालांकि डॉक्टर अशोक तंवर ने जोरदार ढंग से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही तथा उनका विरोध कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने कहा, जोर दे करके कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से उन्हें कोई नहीं हटा सकता और किसी के कहने सुनने से वे नहीं हटेंगे। हालांकि डॉक्टर अशोक तंवर ने हिसारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। इसके अलावा हरियाणा के कांग्रेस के पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने ये बयान देते हुए कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, विधानसभा में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी और किसी व्यक्ति विशेष का इसमें कोई मामला नहीं है। डॉक्टर अशोक तंवर ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को कांटों का ताज बताया। उन्होंने कहा कि आज की ये बैठक आगे की रणनीति बनाने के लिए की गई है। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि पद से हटाए जाने की आपकी बात चल रही है तो अशोक तंवर ने साफ कहा कि मैं ऐसे किसी के कहने पर नहीं हटने वाला, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी कांटों का ताज है, इसमें कुछ नहीं रखा। जब उनसे पूछे गया कि वरिष्ठ नेता और बड़े नेता यहाँ पर इस बैठक में क्यों नहीं पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अपने अपने सब काम में लगे हुए हैं, 10 सीट हम हारे हैं लेकिन फिर भी लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं है और लोग जो लोग यह कह रहे हैं उनको सोचना चाहिए, हम राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। सब थम जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं, एक दो लोग हैं और मैं समझता हूँ कि उनका जो है सही समय पर जो है, कोई बात नहीं, बाहर का रास्ता नहीं, अभी तो अंदर लाने की जरूरत है लोगों को। अब तो जितने लोग अंदर आए पार्टी में और आएंगे और लोग भी आएंगे दूसरी पार्टियों से छोड़ करके आएंगे, अभी अंदर लाने का समय है, बाकी बाद में। कि ऐसे लोगों से तो मैं हटता नहीं जो इस तरह के, जो 5 साल से इसी बात को लेकर के और जिस तरीके से उन्होंने उस दिन भी किया और जो बातें कौन किसका विरोध कर रहा है 5 साल से वो सब जानते हैं। मैं तो किसी के बारे में ना तो नेगेटिव बोलता हूँ, मैं सबसे यही आह्वान करता हूँ पार्टी के सारे नेताओं से भी कार्यकर्ताओं से भी कि अपनी व्यक्तिगत ईगो त्याग करके और पार्टी के लिए सब लोग काम करें। लोग चाहते हैं इस माहौल में भी, अभी 10 सीटें हमारे हैं लेकिन लोग फिर भी चाहते हैं कि आगे फिर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में।